ओम शांति। हम सभी इस दुनिया में मेहमान हैं और हमें ये लगता है कि हमारे कारण इस दुनिया में कुछ फ़र्क आ जाए, हमारे कारण लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए, इसलिए हम किसी न किसी प्रकार से, कोई न कोई तरीके से हम दूसरों को मदद करते रहते हैं। कोई ना कोई संस्था में जाएंगे और वहाँ पर उनको मदद करेंगे और फिर सोचते हैं, महसूस करते, उनको कितना अच्छा लगा, कितनी ब्लेसिंग्स मिली ना। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी दुआएं कमाने के लिए। यस, बाहर में जाकर दूसरों को मदद करना, यह हम कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने इस जीवन में रोज दुआएं कमा सकते हैं? यस, हम रोज दुआएं कमा सकते हैं, हमें सिर्फ उसका तरीका जानना है। और वो कौन सा? देखो, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी है, परिवार की कहो, बिजनेस की कहो, जो भी है वो तो पूरी करनी ही है, लेकिन जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं उसमें सेवा भाव ऐड कर दिया तो जस्ट सोचो क्या हो जाएगा। अगर सेवा भाव से हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे, और जो भी जिम्मेवारी हम जिनकी निभा रहे हैं वो भी हमारे से खुश रहेंगे। कई बार हमारे मुख से निकल जाता है ना, बच्चों का करना पड़ता है, इन लॉज का करना पड़ता है, इनकी संभाल करनी पड़ती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, करना पड़ता, रखना पड़ता, ये जो शब्द है ना, ये क्या महसूस कराते? इट्स अ बंधन, बॉन्डेज, बंधन वाली एनर्जी है। कर भी रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, परिवार का, इन लॉज का, सबका, लेकिन ना स्वयं खुश और जिसका कर रहे वो भी नहीं खुश। तो चलो क्या करो, जस्ट ऐड सेवा भाव। मैं निमित्त भाव से सेवा कर रही हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, जो भी करना है खुशी खुशी से सेवा कर रही हूँ, तो स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। तो जो भी कर्म करो सेवा भाव से करो तो दुआएं ही दुआएं मिलेंगे, और जहाँ दुआएं होंगी ना वह मेहनत नहीं होंगे। तो लक्ष्य रखो, आज सारा दिन ये ध्यान रखो, आज जिनसे भी मिलेंगे, आज सारा दिन जो भी कार्य करेंगे, जिनके भी कांटेक्ट में आएंगे, उनकी हम दुआएं लेते जाएंगे, राइट? अभी कैसे लेंगे दुआएं? बहुत अच्छी बात। एक बात ध्यान में रखो, चलो एक हाँ जी का पाठ पक्का करो। आप कहेंगे कोई कुछ गलत बोलता है तो भी हम हाँ कहें? नहीं, पहले सुनो। देखो, कभी कोई कुछ पूछता है, कोई सुझाव देता है, कोई अपना ओपिनियन, राय देता है, हमें मालूम है कि वो रॉन्ग है, लेकिन सीधा उसे रॉन्ग नहीं कहो, ना मत करो, ना ना करके उसकी हिम्मत को मत मिटाओ। हाँ, वो रॉन्ग है तो चलो उसे कहो, हाँ आपकी बात ठीक है, हम उस पर सोचेंगे। और हाँ कह के उसको समझाओ तो फिर वो समझ जाएगा ना। देखो, रॉन्ग कोई हो सकता है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो
वो अपने को कभी रॉन्ग तो नहीं समझेगा, राइट? लेकिन अगर हमने रॉन्ग वाले को भी अगर ये कहा कि नहीं, हम आपकी बात पर विचार ज़रूर करेंगे, सोचेंगे, तो वो क्या सोचेगा? देखो, इसने मुझे मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, मना तो नहीं ना किया, तो बस एक दो को रिगार्ड दो, डोंट इंसल्ट एनीवन। बस उसे ये मत कहो आप गलत हो, आप गलत हो, नहीं, रॉन्ग है ना, तो भी उसे कहो अच्छा, कहो पहले अच्छा, कहो जिससे उसमें पहले हिम्मत आ जाए। देखो, कोई गिरा हुआ होगा तो क्या आप उसको धक्का देंगे? आप उसको बोलेंगे आपको समझ में नहीं आता कैसे चलना चाहिए, आप देख नहीं सकते, आप ऐसे कैसे गिरे हो? आप ऐसा कहेंगे? नहीं, जो गिरा है उसको हाथ देकर उठाएंगे, राइट? और उसे सहारा देकर पहले खड़ा करेंगे, राइट? और फिर उसे कहेंगे आगे से ना ध्यान देना, तो आगे से फिर आप कहाँ गिरोगे नहीं, संभल कर चलना। तो वो गिर गया था, लेकिन मैंने उसको हिम्मत दी, तो वो मुझे क्या कहेगा? शुक्रिया, थैंक यू। अभी ऐसे ही कोई गलत है तो मैं उसको बार बार, या मैं उसको नहीं कहूँ ये तुम गलत हो, गलत हो, नहीं, मैं उसको उसकी हिम्मत को बढ़ाओ, अच्छाई की हिम्मत को बढ़ाओ, और उसे कहूँ यस, हम आपके बारे में सोचेंगे, और उसे सहयोगी बनाओ, उसे अपने साथ लेके चलो, उसे बार बार गिल्ट कॉन्शियस में नहीं लेके जाओ कि तुम गलत हो, गलत हो, कितनी बड़ी गलती तुमने की है, मालूम है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, नहीं, चलो हम इस गलती से बाहर निकलते हैं, आप में और भी सारी विशेषताएं हैं, तुम भी आगे, मैं भी आके, हम साथ साथ चलते हैं, उसके साथ हाथ मिलाकर चलो, तो वो दुआ देगा, तो संतुष्टता वाली दुआ मिलेगी, तो सफलता मिलेगी, रिश्ता भी नहीं टूटेगा, और उसे भी लगेगा हाँ देखो ना, मेरे से गलती हो गई फिर भी इन्होंने मुझे संभाला, आई एम सो थैंकफुल टू दिस पर्सन, आई एम सो थैंकफुल टू यू। वो ऐसे दुआएं देगा, और ऐसी दुआएं लेते लेते हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ठीक है, तो आज सारा दिन क्या करेंगे? चलो, जिसने भी गलती की है आज, आप उसको क्या करेंगे? उसको भी बड़े दिल से आगे बढ़ाएंगे। हैप्पी डे।